ध्यान दें कि अभी हम जो अध्याय पढ़ रहे थे उत्सर्जन, उससे हम प्लांट में उत्सर्जन पढ़ रहे थे, पौधों में उत्सर्जन पढ़ रहे थे। तो हमारा लास्ट टॉपिक स्टोमेटा बच गया था। देखिए स्टोमेटा होता क्या है। स्टोमेटा पौधे के पत्तियों के एपिडर्मिस में पाया जाने वाला वह सूक्ष्म तंत्र छिद्र होता है जिससे पौधे उत्सर्जन की क्रिया करते हैं। इस स्टोमेटा का जो छिद्र होता है वह सुरक्षा कोशिका के द्वारा कंट्रोल होता है। यहाँ पर देखिए ये जो सुरक्षा कोशिकाएं हैं, जब ये आपस में सटी होती है जो छिद्र होता है वो बंद होता है, और जब यही सुरक्षा कोशिका ये दूसरे से दूर रहती है, स्थिति दास रहता है, जब ये दूसरे से दूर रहती है तो इनके बीच में एक पोर का निर्माण या खुल जाता है, छिद्र खुल जाता है जिससे उत्सर्जन होने लगता है और उनको चारों तरफ से घेरी होती है उनकी सहायक कोशिकाएं। तो यही हमारा स्टोमेटा का एक तरह के बंद स्टोमेटा दिखाया गया और एक तरह खुला स्टोमेटा। तो ये चैप्टर पूरी तरह से खत्म हो गया है। अब हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे परिवहन। अब हम जानेंगे ये जो
जो हमारा ध्येय है वह किस किस चीज से बना होता है और एक से प्राप्त होता है। देखिए जो हमारा ध्येय होता है, जो हमारा ध्येय है वह मुख्य रूप से दो प्रकार के कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। एक होता है हमारा रुधिर गणिका, रुधिर गणिका एवं रुधिर प्लाज्मा। ठीक है, जो हमारा रुधिर गणिका है या हमारे पूरे रुधिर का 45% प्रभाव होता है तथा जो रुधिर प्लाज्मा है हमारे पूरे रुधिर का 55% प्रभाव होता है। जो हमारा रुधिर प्लाज्मा है वह जल, प्रोटीन और कार्बनिक पदार्थ तथा कार्बनिक पदार्थ से मिलकर बना होता है। ठीक, जो हमारा जल होता है वह होता है 90%, प्रोटीन होता है 7 से 8%, जो हमारा कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ है टोटल मिला करके 1 से 2% तक होते हैं। अब देखते हैं हम जो हमारा रुधिर गणिका है वह कितने भागों में बटा है। जो हमारा रुधिर गणिका है इसे मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। एक होता है हमारा आरबीसी, दूसरा डब्ल्यूबीसी और तीसरा प्लेटलेट्स। आरबीसी को हिंदी में लाल रुधिर गणिका तथा प्लेटलेट्स को प्लाज्मा कहते हैं। ठीक, तो हम बात कर लेते हैं कि आरबीसी क्या होता है, इसका मुख्य काम क्या होता है। देखिए जो आरबीसी होता है यानी जो लाल रक्तकणिकाएं होती हैं यह हमारे शरीर में सबसे अधिक मात्रा में यानी रुधिर में सबसे अधिक मात्रा में आरबीसी पाया जाता है। आरबीसी यानी मतलब लाल रक्तकणिकाओं में हीमोग्लोबिन नामक एक लव प्रोटीन पाया जाता है या इसे आयरन प्रोटीन कहते हैं। लव प्रोटीन पाया जाता है जिसकी माध्यम से हमारे रुधिर का रंग लाल होता है। आरबीसी की मात्रा यानी 1 घन क्यूब मिलीमीटर एरिया में आरबीसी की मात्रा 5 मिलियन होता है। ठीक, और जो आरबीसी का जीवन काल है, आरबीसी का लाइफस्पैन 1 से 120 दिन तक होता है। इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। ठीक, इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है और जब ये नष्ट हो जाते हैं तो मरने के बाद प्लीहा में चले जाते हैं। प्लीहा को आरबीसी का कब्र का बोला जाता है। ठीक, ये रहा हमारे आरबीसी के बारे में जानकारी। जो आरबीसी है इसका सबसे मुख्य कार्य होता है हमारे श्वसन गैसों का
गैसों का परिवहन करना, इसका नाम है आरबीसीटा। अब आइए आगे बढ़ते हैं डब्ल्यूबीसी में, यानी श्वेत रुधिर कणिका। तो जो श्वेत रुधिर कणिकाएं होती हैं, ये ऐसी कोशिका होती है, ऐसी रुधिर कोशिकाएं होती है जो हमारे शरीर के रोग रोधी क्षमता को बढ़ाने का कार्य करते हैं। तो डब्ल्यूबीसी जो होता है, इसमें दो प्रकार के कोशिकाएं पाए जाते हैं, या दो प्रकार का होता है। पहला कणिका है और दूसरा अकणिका है। जो कणिका है, इसके अंतर्गत न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स एवं बैसोफिल्स आते हैं। तथा जो अपरिकार है, इसके अंतर्गत मोनोसाइट एवं लिम्फोसाइट आते हैं। ठीक,